गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक टैरिफ परिभाषा। तो बिजली के टैरिफ के रूप में ज्ञात विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा धन फ्रेम की मात्रा। दूसरे शब्दों में टैरिफ उपभोक्ता को बिजली की खपत के लिए चार्ज करने के तरीके हैं। टैरिफ बिजली उत्पादन और आपूर्ति की कुल लागत और साथ ही उचित लागत को शामिल करता है। वास्तविक टैरिफ जो ग्राहक भुगतान बिजली की खपत पर निर्भर करता है। उपभोक्ता बिल उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। औद्योगिक उपभोक्ता अधिक टैरिफ का भुगतान करते हैं क्योंकि वे घरेलू उपभोक्ताओं की तुलना में लंबे समय तक अधिक बिजली का उपयोग करते हैं। बिजली के टैरिफ निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला है भार का प्रकार। जिस समय लोड की आवश्यकता होती है, भार का शक्ति कारक, ऊर्जा की मात्रा का उपयोग। उपभोक्ता के कुल बिजली के तीन भाग होते हैं, अर्थात फिक्स्ड चार्ज, सेमी फिक्स्ड चार्ज और रनिंग चार्ज। एक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इक्वेशन, जहाँ सी एक अवधि के लिए कुल शुल्क, एक्स अवधि के दौरान अधिकतम मांग जो किलोवाट और केवीए, और बाई टाइम ड्यूरेशन केडब्ल्यू और केवीए, ए के दौरान खपत कुल ऊर्जा अधिकतम मांग के प्रति किलोवाट या केवीए, बी ऊर्जा की खपत प्रति किलोवाट की लागत, डी प्रत्येक बिलिंग की अवधि के दौरान निश्चित शुल्क। इसे तीन भाग बिजली दरों के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से बड़े उपभोक्ता के लिए लागू होता है। बिजली शुल्क को प्रभावित करने वाले कारक। बिजली शुल्क तय करने के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा गया है। पहला है लोड के प्रकार। लोड को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक। औद्योगिक उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक समय के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसलिए घरेलू उपभोक्ताओं की तुलना में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए शुल्क अधिक होता है। बिजली ऊर्जा का टैरिफ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बदलता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम डिमांड। द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सप्लाइड बाई जनरेटिंग स्टेशन डिपेंड ऑन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट एंड किलोवाट पर आर जनरेटेड। इंक्रीज इन द मैक्सिमम कैपेसिटी इंक्रीज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग स्टेशन द टाइम एट विच द लोड इज रिक्वायर्ड। द टाइम एट विच द मैक्सिमम लोड रिक्वायर्ड इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। इफ द मैक्सिमम डिमांड कॉन्सीड विद द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर देन द एडिशनल प्लांट इज रिक्वायर्ड, एंड इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर अकर ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर द लोड फैक्टर इज इम्प्रूव सो द नो एक्स्ट्रा प्लांट कैपेसिटी इज नीडेड। दस द ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आवर जनरेटेड इज रिड्यूस। द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। द पावर फैक्टर प्ले मेजर रोल इन द प्लांट इकोनॉमिक्स। द लो पावर फैक्टर इंक्रीज द लोड करेंट विच इंक्रीज द लॉसेस इन द सिस्टम। दस द रेगुलेटिंग बीकम पुअर फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर। द पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड एट द जनरेटिंग स्टेशन। दस द कॉस्ट ऑफ जनरेशन इंक्रीज। द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिड्यूज बाई यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्गर पीरियड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ आर एज फॉलोज। फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ, स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ, ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ, सीजनल रोड रेट टैरिफ, पीक लोड टैरिफ। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।